जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अक्षय मैथ क्लास में स्वागत है। और अभी इस क्लास में एक्सरसाइज 8 साइन कोसाइन क्वेश्चन नंबर 20 तक बता दिए थे, आज 21 बताना। देखो 21 में कहना ये है ना कि इसमें कि कुछ कुछ हिसाब ऐसा रहता है जो आप सिर्फ LHS से बनाने के बजाय LHS और RHS दोनों तरह से बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि 21 नंबर में वैसे ही जैसे ही देखें है क्या, अगर पहले बात की जाए तो उसमें लिख ले है कि किसी त्रिभुज ABC में प्रमाणित करें इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट, क्या करना है तो एक इसके फर्स्ट में है A cos B-C/2 बराबर D+C(sin A/2)। अब इसी प्रश्न को LHS से सिर्फ हल करने के बजाय थोड़ा LHS थोड़ा RHS मतलब दोनों को थोड़ा थोड़ा बनाया और LHS इक्वल टू RHS कर दिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिर्फ LHS से ही बना सकते ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, जरा ध्यान दीजिए हम दोनों तरह से बता देते हैं। थोड़ा परिश्रम लगेगा हमको समझाने में आपको समझने में, लेकिन दोनों तरह से बताते। जैसे पहले हम सिर्फ LHS को फॉलो करते लेफ्ट हैंड साइड, सिर्फ यही फॉलो करते लेफ्ट हैंड साइड। तो A माने आप भी समझते हैं कि A के जगह पर लिखना चाहिए K(sin A)। इसके बारे में हम पिछले 3-4 वीडियोस लगातार बताते आ रहे हैं कि A के जगह पे आप K(sin A) लिख सकते हैं। 3-4 क्लास में हम लगातार बताए और ये हो गया cos B-C/2। ठीक, एक चीज और हम आपको बताते आ रहे हैं अगर याद हो तो, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मेरा काम ही बताना, हम इस वीडियो में भी बताएंगे। क्या बता रहे हैं, हर क्लास में हम बता रहे हैं कि A+B+C = 180। 3-4 क्लास में ही लगभग आइए रहा, पीछे के 3-4 क्लास से लगातार ही आ रहा है। तो A के जगह पे आप लिख सकते हैं 180 माइनस B और C, यानी A बराबर आप कह सकते हो कि 180 में से हम घटा देंगे B और प्लस C दोनों। इसी पर फोकस करना कि जहाँ A है ना वहाँ हम लिखेंगे 180 माइनस B+C, इसी बात पर ध्यान देना। के को के ही रहने दिए, साइन ए मतलब हटाएंगे और लिखेंगे 180 माइनस B+C। इधर जैसे है cos B-C/2 वैसे ही छोड़ दो, के को के ही रहने दो। साइन 180 डिग्री का नहीं बदलाता है तो खैर साइन ही रह जाएगा और B+C(cos B-C/2)। आप चाहो तो इतने बना छोड़ दीजिए,
अब समझ लीजिए कि LHS बन गया, अब हम RHS से लेके चलेंगे इधर से। अगर आप चाहो तब, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो देखिए एक चीज़ और बताते हैं आपको। आप ऐसा फॉर्मूला भी कभी देखे होंगे सब मल्टीपल में कि साइन थीटा बराबर 2 sin θ/2 cos θ/2। यह हो सकता है कि एक के टर्म में चल रहा हो। ये सब इसलिए लिखते हैं ना जब मैं रिकॉल होता रहे कि हाँ भाई बताया है। तो अगर यहाँ थीटा है तब θ/2 अगर साइन ए होता तो ठीक है 2 sin a/2 cos a/2। अगर साइन ए प्लस बी होता तो 2 sin a+b/2 cos a+d/2। इतना लिख दिए, अब जरा हट जाते हैं 10 सेकेंड के लिए। आप उस फॉर्मूले पर गौर कीजिए कि उसके लिखने का पर्पस क्या, क्यों लिखें, क्या उसका इस्तेमाल होगा। तो फालतू में तो कोई चीज़ हम जल्दी लिखवे नहीं करते हैं। यहाँ देखोगे k(sin b+c) को लिखने वाले हैं 2 sin b+c/2 cos b+c/2। और मैं तो एक तरीका और थोड़ा सा इजी रहेगा, हम इतना इतना जो बदल रहे हैं ना इसको बाद में बदलेंगे। क्या करे क्या ना करे ये कैसे मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। चलो अब जब इतना मेहनत किए तो इसी पर रह देते हैं। फिर से एक बार समझाते हैं, ए के जगह आप क्या लिखिए 180 माइनस वो वाला चीज़, फिर 180 पे नहीं बदला था जस के तस रह दी, फिर इसको तोड़ दिए। इसको क्यों तोड़े, क्योंकि b-c/2 है तो वैसे ही b+c/2 होना चाहिए b+c/2। और फिर इसी का फॉर्मूला, अभी तो हम सिर्फ रेड मारकर यहाँ आ जा, सिर्फ इसी के फॉर्मूले को इतना लंबा तोड़कर लिखे, ध्यान से देखिए। b+c/2 कर दिए, इसको तो अभी कुछ किए भी नहीं, इसको तो ऐसे ही रह देंगे b-c/2 उधर वाले को कुछ नहीं करना, वैसे ही छोड़ देंगे। अब थोड़ा सा स्पेस, अब थोड़ा सा आपको भी समझना पड़ेगा, यहाँ पर आपको भी समझना होगा। समझना क्या होगा कि RHS में लाना है साइन a/2, इस पर फोकस करना होगा। और साइन a/2 यहाँ से असंभव है, नहीं आ सकता, क्योंकि b+c है, इससे इम्पॉसिबल है, नहीं आ सकता है साइन a/2, यह असंभव है, इसको भूल जाइए। इसमें से भी असंभव है, क्यों असंभव है, इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है। कैसे असंभव, अरे असंभव है यार, क्यों, क्योंकि अक्षय बाबा बोल रहे हैं इसलिए असंभव है, अक्षय सर बोल रहे हैं इसलिए असंभव है। नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, कोई दिल पे मत लेना कि हम बोल रहे हैं। देखो क्यों असंभव जो बताते हैं, असंभव के कारण भी बताते हैं क्यों कह रहे हैं। जो जैसे b+c/2 यहाँ भी है, b+c/2 यहाँ भी है, तो ज़रा समझो कि a+b+c = 180°। तो हम आपको समझाएं भी थे कि a+b+c/2 बराबर में कितना 90,
तो आप ये भी कह सकते हैं कि b प्लस सी बाई टू जोड़ a बाई टू बराबर 90। तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि b प्लस सी बाई टू बराबर 90 माइनस ए बाई टू। ज़रा ध्यान से देखना इसको और इसको, इसको गौर से देखोगे कि b प्लस सी के जगह b प्लस सी बाई टू की जगह पे हम उतना लिख सकते हैं। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ क्यों कह रहे हैं कि क्रॉस मार दो, क्योंकि जब यहाँ लिखेंगे समझो कितना लिखेंगे b प्लस सी बाई टू की जगह पे 90 माइनस ए बाई टू, लेकिन जैसे ही 90 लिखेंगे यहाँ देखिए अगर 90 लिखते हैं तो साइन बदला जाएगा, हो जाएगा कॉस और हमको लाना है साइन में। इसलिए एक बात समझ में आता है कि ये तो हो गया फेल, अभी तो खैर असंभव है, यहाँ तो सोचवे मत करो b माइनस सी ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो दो टर्म तो आपका फेल हो गया, दो गो रेशियो, तो अब एक ही टी रेशियो बचता है उसको कौन कॉस। यहीं पर कोई तिकड़म लगाना होगा, यहीं पर आपको अपना दिमाग चलाना होगा, यहीं पर कुछ चेंज करना होगा। क्या देखो के तो इधर रह जा, टू इधर रह जाओ, साइन इधर ही रह जाओ, बी प्लस सी बाई टू इधर ही रह जाओ, कॉस बी माइनस सी बाई टू इधर ही रह जाओ, इसी को हम कहेंगे जाओ उधर, इसी को अलग से लिखेंगे कॉस। और फिर कहेंगे बी प्लस सी बाई टू के जगह पे क्या लिखना है देख लो, 90 माइनस ए बाई टू, ठीक है, के को के ही छोड़ दो, यहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो कि कॉस बदल गया, 90 पे बदल जाता है कॉस 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा। ये तो आ गया, ध्यान से देखिए साइन ए बाई टू और यहाँ देखो साइन ए बाई टू, ये तो आ गया, लेकिन बीच में जो b प्लस सी है वो कहाँ आया है, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, ठीक है, लेकिन पूरा फॉर्मूला का भंडार है, क्या करें, हर क्लास में बोलने की आदत होती है। अगर त्रिकोणमिति समझना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको त्रिकोणमिति अच्छे तरह से समझ में आए, तो उसके लिए एक ही उपाय है कि आपको शुरू से त्रिकोणमिति देखना होगा, बीच में से कहीं से भी आप त्रिकोणमिति उठाकर देखोगे तो उतना अच्छा तरीके से समझ में नहीं आने वाला है। जैसे यहाँ फिर हमको समझाने वाले हैं उसके लिए फिर आपको फार्मूला ज़रूरत पड़ेगा, कहाँ लिखें सगरोज फार्मूले भर दिए, देखो हर जगह तो फार्मूले भर दिए यहाँ, कभी आप ऐसा फार्मूला भी देखे होंगे। हाल ही फ़िलहाल हम जब ऑफलाइन पढ़ा रहे थे तो एनसीईआरटी, उसमें तो एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं कोचिंग क्लास में, ऑफलाइन जो पढ़ाते हैं वहाँ तो एनसीईआरटी चल रहा है, और एनसीईआरटी में भी फार्मूला प्रूफ भी किए थे आपको अगर ध्यान हो तो, टू साइन ए इंटू कॉस बी कहीं भी थे कि मिली जुली है, एगो साइन है एगो कॉस है, या फिर मान लो एगो कॉस है एगो साइन है, तो ऐसा मिली जुली में साइन वाला फार्मूला होता है। अगर दोनों साइन रहे मतलब टू साइन ए इंटू साइन बी, या दोनों कॉस रहे टू कॉस ए इंटू कॉस बी, मतलब कॉस ए कॉस बी दोनों कॉस में ही रहे तो कॉस वाला फार्मूला, या साइन ए इंटू साइन बी मतलब साइन ए साइन बी दोनों साइन में रहे तब भी कॉस वाला फार्मूला। लेकिन अगर शुरू में साइन ए है और बाद में कॉस बी है, मतलब ये साइन साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी कुछ ऐसा फार्मूला है, या मान लो शुरू में कॉस ए है और बाद में साइन बी, अरे कुछ भी रहे मतलब कॉस है और ये वो साइन है मिली जुली है तो साइन वाला होगा। तेजा साइन ए है और कॉस बी है, एक बात फिक्स हो जाता है कि ऐसा ही लिखाएगा साइन ए प्लस बी और फिर लिखाएगा साइन ए माइनस बी, इसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन अगर शुरू में साइन है बाद में कॉस है तो बीच में प्लस लगा देना। एक चीज़ और ध्यान दो, जब बताइए रहे हैं तो टू कॉस ए इंटू साइन बी अगर ऐसा रहता तब भी आपको यही लिखना होता है कि साइन
ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, लेकिन अब लगाना होगा माइनस। क्यों? क्योंकि शुरुआत हुआ है कॉस से, अब बाद में है साइन, तो अगर शुरुआत में कॉस आ गया तो बीच में माइनस दे देना, और अगर शुरू में साइन आ गया बाद में कॉस है तो बीच में प्लस दे देना। तो दोनों फार्मूला लगता है एक जैसे है, लेकिन है थोड़ा सा डिफरेंट। हम फार्मूला एकदम धीरे धीरे, एकदम स्लो 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 नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं सिलो सिलो, एकदम सिलो सिलो बता रहे हैं, क्योंकि इसका अप्लाई करना है यहाँ पे। यहाँ समझिए, ये पूरे को मान लो कि पूरा के पूरा ए है, और ये पूरे को मान लो कि पूरा के पूरा ही बी है। वही तो चल रहा है, साइन ए, ए मैंने फैलाना, अब बी मैंने ढकाना। एक फार्मूला क्या होता है, टू साइन ए इंटू कॉस बी, मान लिया साइन ए प्लस बी, तो हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी जोड़ो इतना उतना, मतलब आप जोड़िए कि बी प्लस सी, उधर से जोड़ो बी माइनस सी और बटा में दो, क्योंकि दोनों को बटा में दो था, हो गया प्लस प्लस साइन ए माइनस बी, तो लिखेंगे साइन ए माइनस, लिखो ए माइनस बी, ए मतलब कितना, बी प्लस सी, और माइनस बी मतलब ये हो जाएगा माइनस में बी, आई हो जाएगा प्लस में सी, प्लस में सी है, सी है यहाँ, ध्यान देना, बटा दो, यहाँ सी है, बी से बी कट गया, यहाँ सी से सी कट गया, समझो के इंटू, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया साइन बी और बी जोड़ के, टू बी हुआ होगा, लेकिन बटा में जो दो है उसके लिए सिर्फ बी लिखो, प्लस सी और सी जोड़ के टू सी हुआ होगा, लेकिन बटा में जो दो है उसके लिए सिर्फ सी लिखिए। और उधर अगर बात करें तो साइन ए बाई टू, इधर ठीक है साइन ए बाई टू, इसको कुछ नहीं करना, इसमें थोड़ा सा समझना है आपको। अब समझना है तो उधर वाला मिटाना होगा, क्योंकि नीचे तो अब दिखेगा नहीं, अगर इससे हम नीचे गए तो। इससे नीचे गए तो नहीं दिखेगा, तो काम करते हैं इस तरफ मिटा देते हैं। समझो यहाँ पे के को के रहने दिए, काहे के गुना कर देते हैं, के गुने साइन बी प्लस के गुने साइन सी, और बाहर में जैसे है ना साइन ए बाई टू वैसे ही छोड़ देते हैं साइन ए बाई टू, हालांकि के गुने बी आप भी जानते हैं इसको बी बोलते हैं, और के गुने सी इसको सी बोलते हैं, तो बी प्लस सी इंटू साइन ए बाई टू। जरा एक बार क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रूफ क्या करना था, बी प्लस सी इंटू साइन ए बाई टू। देखो थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बता रहे हैं, और धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ एल एच एस से प्रूफ कर रहे हैं। अगर यही चीज़ एल एच एस आर एच एस दोनों तरफ से प्रूफ करते हैं तो देखो कैसे बनता। आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, या स्क्रीन शॉट ले सकते हो तो स्क्रीन शॉट ले लो। इसको अगर हम दोनों तरफ बनाना चाहते हैं तब इतना परेशानी नहीं झेलना पड़ता आपको, तब थोड़ा आसानी वे में बन जाता। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर बताते हैं कैसे दोनों तरह से। अगर दोनों तरह से बनाना होता तो यहाँ तक पहुँच जाते और इसको देते ऐसे करके मिटा, बस छोड़ देते, हटाए सब कहानी, पूरा हो गया, इतने लिख के छोड़ देना। ये ध्यान देना कि क्या चल रहा था, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, इतना समझने में तो कोई परेशानी नहीं, सब तो ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इन्हें कि इसमें भी दिक्कत हो रहा। अब आर एच एस लेके चलेंगे, आप एल एच एस में चाहें तो यहाँ 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 यहीं पे आकर रुक जाइए, यहीं पर रुक जाओ,
आप इसी जगह पर LHS में रुक सकते हैं, यहाँ भी नहीं आना चाहो यहीं पर रुक सकते हैं। अब RHS देखो आपके सामने बनाते हैं, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इस पर ध्यान दो। बी मने क्या, तो बी मने कहेंगे कि चलो भाई के गुने साइन बी, और प्लस सी मने क्या के गुने साइन सी, और इनटू साइन ए बाई टू। के और के कॉमन ले लो, तो बाकी जो बचा वो साइन बी प्लस साइन सी, मतलब अगर फॉर्मूला लगा दो टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और इधर जैसे है चाहो तो आप इसको भी बदल दो, इसको भी कितना देर लेके चलोगे, ए बाई टू अब तक तो आप समझ गए होंगे क्या करना है, लेकिन नहीं समझे हैं तो फिर से हमेशा की तरह ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। आप ऐसे समझिए कि यहाँ भी दो यहाँ भी दो, मतलब बटा दो कर दिए तो इधर भी दो हो गया, मतलब ए बाई टू के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 90, और ये पूरा के पूरा होने चल जाएगा 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू, ये समूल्य उधर चल जाएगा, ये तो 90 ने हो गया 180 बटा दो, तो वही 90 लिखें, तो हम यहाँ भी वही करने वाले हैं, ए बाई टू की जगह पर लिख देंगे 90 माइनस में बी प्लस सी बटा दो। यहाँ देखो दो चाहो तो बाहर कर देते, टू इंटू के हो गया और इसको लिखेंगे साइन बी प्लस सी बाई टू, बी प्लस सी बाई टू इंटू इसको लिखो कॉस बी माइनस सी बाई टू इंटू साइन 90 पे बदला जाता है कॉस और बी प्लस सी बाई टू। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहते हैं, अगर आप इधर एक लाइन ज़्यादा लिखें, मतलब इसको तोड़ दिए, ध्यान से समझिएगा, अगर साइन बी प्लस सी को तोड़ दिए, क्योंकि बी माइनस सी बटा दो है, बटा दो है, तो इसको भी बटा दो में अगर इतना तोड़ दिए हैं, एक लाइन इसको ज़्यादा तोड़ दिए हैं, तो बस ये प्रूफ हो चुका। देख लो ध्यान से, के टू टू के साइन है, साइन है कॉस है, अच्छा बाद में कॉस है, कॉस बी माइनस ए कॉस बी माइनस ए हो गया प्रूफ। लेकिन इसमें भी अगर कोई चाहे कि हम यहीं तक छोड़ देते हैं, हम हर तरह से बताते हैं, जैसे आप ऐसा नहीं लगे कि सर आप ऐसे बताएं, दूसरा टीचर बताएं तो ज़्यादा आसान था, तो हम हर तरह का, हल्का से हल्का भी और भारी से भारी भी, इजी वे और टफ दोनों में हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आप यहीं तक छोड़ देते हैं LHS एक लाइन दो लाइन तीन लाइन में, एक लाइन इसको बढ़ाना पड़ता है, फिर ऐसे लिखना पड़ता है के इधर आ जा और दो इसके साथ में बैठा देते हैं, कहते टू साइन बी प्लस सी बाई टू इंटू कॉस बी प्लस सी बाई टू इंटू कॉस बी माइनस सी बाई टू, तो हो जाता के, और इसको मान लो ना कि थीटा, इसको भी मान लीजिए थीटा, तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्मूले होता है साइन टू थीटा, थीटा माने कितना बी प्लस सी बटा दो, इधर हो गया कॉस बी माइनस सी बाई टू, ये कैंसिल, तो हो गया के इंटू साइन बी प्लस सी इंटू कॉस बी माइनस सी। देखो अगर आप इधर थोड़ा सा एक लाइन कम लिखना चाहते हैं तो इधर ज़्यादा लिखना पड़ा, तो 21 के पहला नंबर जितना हो सकता था हम हर तरह से आपको समझाएं और पूरा धीरे धीरे समझाएं। अगर किसी को लगे कि हम बहुत धीरे बोल रहे हैं तो आप 2x पे देख लो, लेकिन फिर वही सलाह है टीचर होने के नाते कि नॉर्मल स्किप पे देखिए, ये सब बकवास जब करते हैं ना स्किप कर दो अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो, लेकिन जो भी पढ़ाई वाला बात है उसको तो नॉर्मली स्पीड पे देखिए। खैर इसके बाद एक क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं।
21 था ना कि 22 है? अच्छा 21 के पहला था, 21 के दूसरा। इक्कीस के दूसरा नंबर भी कुछ उसी टाइप के क्वेश्चन है, वैसे ही है दूसरा नंबर। ए इंटू साइन ए प्लस, सॉरी ए बाई टू प्लस बी बराबर बी प्लस सी इंटू साइन ए बाई टू, इतना लाना है। एक बार टाइम देख लेने क्लास का। देखिए कोई बात नहीं, इसको भी वही बात, मतलब वही बात हम बोलने वाले हैं कि आप सिर्फ LHS से बना सकते हैं या LHS RHS दोनों तरह से बना सकते हैं। फिलहाल कैसे बनाएंगे वो बात की बात है, पहले स्टार्ट तो कर दे कम से कम लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ ध्यान देना है कि जो A है ये आप जानते हैं K इंटू साइन A लिखा था इंटू साइन, ये जो थोड़ा सा संभल के लिखना होगा ए बाई टू अ प्लस बी बटा। हम पिछले क्लास में बताए थे, अभी नहीं बताएंगे। साइन थीटा को लिखा जा सकता है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये पूरा पूरा माइनस में हो जाएगा, ए बाई टू माइनस में बी भी माइनस में, ये लिख सकते हैं। फिर हम पिछले दो तीन क्लास से बताते आ रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी ये तीनों को जोड़ दो तो 180 डिग्री होता है, तो उस हिसाब से साइन a इसको बाद में बदलना, साइन a ध्यान रहे कि साइन a को बदलना है a बाई टू में, बदल लेंगे पहले, अभी छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही। यहाँ से देखते हैं cos और 90 को लिखते हैं a बटा दू प्लस बी बटा दू प्लस सी बटा दू माइनस डी, एक चीज छोड़ दी मैं यहाँ पे, एक चीज छोड़ दिया, माइनस ए बाई टू है माइनस में डी, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा ए बाई टू ए बाई टू, दोनों एक दूसरे को कर दिया कैंसिल, क्योंकि प्लस है और ये वाला माइनस है, लेकिन 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 कुछ नहीं, ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं। के को के लिखो, साइन ए को साइन ए लिखो, और यहाँ ज़रा संभल के लिखना है, बस थोड़ा सा संभल के लिखना होगा, थोड़ा संभलना होगा कि सी बाई टू को पहले वेटेज दो और बी बाई टू में से वो बी घटा दो, बी बाई टू में से अगर बी घटेगा तो माइनस में होगा बी बाई टू, घटा के देख लेना। अब बटा दो लिखिए रहे थे, काम करोगे के इंटू साइन ए को आप तोड़ सकते हैं, या तो साइन ए को अभी तोड़ दीजिए या तो बाद में तोड़ो, जब चाहो तब तोड़ो, या ए को पहले बी और सी में कन्वर्ट करो, वो आपकी मर्जी, आप जैसे चाहते हैं। हम तो चाहते हैं सर कि ए बाई टू है तो
ए बाई टू ले ही आते हैं, मतलब ऐसे तोड़िए देते हैं, टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, ये पहले तोड़ देते हैं, साइन ए को इतना लिख दें, ठीक है। इधर की बात करें तो कॉस यहाँ पे यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, सी माइनस बी, बी माइनस सी, आप जो लिखना चाहो दोनों चलेगा। कॉस में आप बी माइनस सी लिखोगे तब भी कोई अंतर नहीं है, और सी माइनस बी लिखोगे तब भी कोई अंतर, दोनों सेम चीज़ है। आप इसको चाहो तो बी माइनस सी लिखो कॉस में, या सी माइनस बी लिखो, उससे कोई नुकसान नहीं है, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। बी माइनस सी रहे चाहे सी माइनस बी। एक मिनट, इसका मैसेज है। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, किसी स्टूडेंट का है मैसेज है, उसको डाउट है तो क्लियर कर दे पाए। हाँ, यहाँ पर यहाँ करना क्या था, यहाँ लाना था साइन ए बाई टू, आ तो गया है साइन ए बाई टू, तो अच्छा है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा बात है कि आप साइन ए बाई टू लेके आ गए। तो ऐसे लिखो के और साइन ए बाई टू, तू अंतिम में चले जा, जैसे पिछले वाले हिसाब में हम बोले थे कि साइन ए बाई टू तू आ ही गया है तो ज़रूरत है ही है तो उधरे रहो। इधर कहते हैं कॉस बी माइनस सी बटा दू, तू भी ठीक ठाक है, तू भी कोई दिक्कत नहीं, दू जैसे नज़र आ रहा है, दू को भी यहीं रह, दू के भी कोई दिक्कत नहीं, दू भी ठीक ठाक चल रहा है। दिक्कत इससे है, ये वाला टर्म से ध्यान से देखो, इसको हम जगह दे दिए, इसको यहीं रहने दिए, दू यहीं रह दिए, इसको परेशानी हो रहा है ए बाई टू। अरे यार, तो अब तक तो आप समझ चुके होंगे ना कि ए बाई टू को क्या लिखा जाता है, अब तक तो भली भांति आपको समझ में आ गया होगा कि ए बाई टू की जगह पे क्या लिखा था, इतना हिसाब बता चुके हैं तो आप समझ चुके होंगे कि a बाई टू जगह आप लिखाएगा 90 माइनस में b प्लस सी बटा दो। बार बार एक ही चीज़ बार लिख रहे हैं तो अब तक तो रट जाना चाहिए आपको, k को k रहने दो, टू को टू लिखो, cos 90 बदला जाता है, साइन में बदला जाएगा, जो भी एंगल है b प्लस सी है, b प्लस सी बाई टू टू कॉस बी माइनस ए बाई टू। इधर जो आपको दिखाई दे रहा है साइन ए बाई टू, इसको छेड़छाड़ मत करना, क्यों, इनको तो लाना ही है, और हर बार की तरह आदत से मजबूर यहाँ पर आने के बाद हम फिर कहेंगे कि फॉर्मूला फॉर्मूले का खेल है। बी प्लस सी बाई टू जो देख रहे हो, इसको मान लो कि ए है, और ये b माइनस सी बाई टू जो है, इसको मान लो कि b है, तो एक फार्मूला होता है जो अभी लिखे थे फिर लिखते हैं, जिसमें शुरुआत में होता है टू साइन a इंटू कॉस b, तो जब भी शुरू में साइन बाद में कॉस, या शुरू में कॉस रहे बाद में साइन रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब साइन a रहे या कॉस a रहे, इतना समझ में आना चाहिए कि ये वो साइन है ए तो ये वो है कॉस बी, या फिर इधर है कॉस ए तो उधर साइन बी। जब इस तरह के फॉर्मूला रहे तो हम बोले हैं कि साइन ए प्लस बी लिखो और इधर साइन ए माइनस बी लिखो। अब देखो, अगर शुरुआत साइन से हुआ है तो बीच में लगा दो प्लस, अगर शुरुआत कॉस से होता तो लगा देते माइनस, लेकिन यहाँ फिलहाल लगेगा प्लस तो प्लस लगा दिए। कुछ उसी तरह के फॉर्मूला तो यहाँ चल रहा है टू साइन ए इंटू कॉस बी, देखकर फॉर्मूला देखो के को के रहने दो और साइन ए मान लो और इसको मतलब कॉस बी मान लो, तो टू साइन ए इंटू कॉस बी फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब देखते हैं ए कितना है भाई, बी प्लस सी
और प्लस बी कितना है, बी माइनस सी। अब बटा में दो तो खैर दोनों के बटा दो, तो बटा दो हो जाएगा, लिख दिए। फिर यहाँ का आता है प्लस, तो प्लस दीजिए। और साइन ए माइनस बी मतलब ए ये वाला, ये वाला, ये वाला, उसमें से ये वाला, मतलब फलाना माइनस ढकाना, फलाना में से ढकना घटा दो या चिल्ला घटा दो, जो भी आप बोलते हो। ए बी सी में ज़रा अजीब लगता है बोलने में, तो बी प्लस सी में से घटेगा। बी प्लस सी को फलना नाम दिए तो इसको ढकना नाम दिए, ये घटाएंगे तो माइनस में बी और प्लस में सी, सॉरी प्लस में सी इतना हो गया। हाँ उधर एक चीज़ ध्यान देना है कि उधर तो पहले से है कौन, साइन ए बाई टू, तो उसको लिखते रहेंगे कि साइन ए बाई टू तो पहले से है, के छोड़ देते हैं यहाँ, समझो सी सी कैंसिल, बी बी कैंसिल, तो साइन कितना आ गया, बी और बी जोड़ के टू बी हो गया, लेकिन दूसरे जब भागा देंगे तो सिर्फ बी, सी और सी जोड़ के टू सी हो गया, लेकिन जब दूसरे भागा देंगे तो साइन सी गुने में साइन ए बाई टू, इसके बाद के गुना कर दो। अगर के गुना कर देते हैं तो के इंटू साइन बी, के से गुना कर देंगे तो के इंटू साइन सी। अब बाहर जैसे नज़र आ रहा है कि साइन ए बाई टू है, वैसे ही रहे दो साइन ए बाई टू। अब के गुने साइन बी, आप भी जानते हैं कि बी लिखाता है, के गुने साइन सी सी लिखाता है, इंटू साइन ए बाई टू। ज़रा एक बार गौर से देखो कि आपको प्रूफ करना क्या था, बी प्लस सी आ गया, साइन ए बाई टू आ गया। तो सिर्फ LHS के मदद से अगर RHS डायरेक्ट साबित करना तो थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। आप जो भी फॉर्मूला जानते हैं हर एक फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना होगा, मतलब उसका यूज करना होगा। अगर आप उपयोग करना जानते हैं, फार्मूला याद है तो अच्छा बात है, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा LHS बनाइए, थोड़ा सा LHS बनाइए और दोनों को बराबर कर दीजिए और लास्ट में बोल दीजिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव। समझा ब्रो क्या कॉन्सेप्ट है? लेकिन अगर इतना समझते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है कि सिर्फ LHS को ही हम आधार बना के पूरा एकदम RHS तक पहुँच गए। अब दोनों तरह से ये बना सकते थे, ठीक है? अगर आपको लगे कि हमने LHS से सिर्फ नहीं बनाना चाहते, हम दोनों तरह से, तो दोनों तरह से लेके चलो, उससे कोई परेशानी नहीं होगा। वो दोनों तरह से चलिएगा तब भी बन जाएगा, वहीं पर जाके पहुँचोगे आप। ये क्या हुआ? आगे बताएं या नहीं बताएं? क्वेश्चन नंबर 22, टाइम आधा घंटा ज़्यादा हो गया। 22 में फिर से दो क्वेश्चन, एक काम करते हैं, 21 में दो को हो गया, 22 में दो क्वेश्चन है, उसके लिए अगले वीडियो में बता देंगे, आज यहीं तक, ठीक है? क्लास अच्छा लगे, आप इतनी देर तक टिके हुए रहें, क्लास को कम से कम लाइक कर देना यार, ठीक है? इसके लिए थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई इतना लोग देखता है और इतना लोग लाइक करता है। नहीं लाइक करते हो थोड़ा सा अंदर से हिम्मत टूट जाता है, मन छोटा हो जाता है। खैर जो भी हो, आपको जो अच्छा लगे करिए, लेकिन पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।